हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्या बनाने वाले हैं, तो बिना देरी करते हुए अब दबा लो भाई सब्सक्राइब, दबा लो दबा लो, जल्दी लाइक भी कर दो। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। रेडी सेट गेट गो। कट कर देना प्लीज। तो भैया, हमें शुरू करने के लिए कुछ चाहिए होंगे, कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड के पीस। तो चलिए, ये है हमारा बेस पार्ट। इसकी साइज़ है 12x12 सेंटीमीटर, जो कि हमारा बेस पार्ट होने वाला है। ये इसके सामने का है, जो कि 12x15 सेंटीमीटर का है, कुछ इस तरह यहाँ लगेगा। और अब सामने वाला भी सेम होने वाला है। ये है साइड का, जो कि 11.5x15 सेंटीमीटर का होने वाला है। और इसके आगे वाला भी सेम होने वाला है। तो आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये यहाँ लगेगा। आमने सामने के दोनों हैं, वो सेम होने वाले हैं। तो चलिए इनका बॉक्स बनाते हैं। कुछ इस तरह बॉक्स रेडी हो जाने के बाद इसे रखना साइड में, और हमें चाहिए होगा एकदम आगे वाला पार्ट, कुछ इस प्रकार का। सेंटर में होल होना चाहिए कुछ इस तरह, और इसे हम यहाँ पर फिट कर देंगे, यहाँ पर कुछ इस तरह। और ये फिट हो चुका है, तो इसे रखते हैं अब साइड में। कुछ इस तरह के सेम पीस अब वो कट कर लेने हैं इस साइज़ में। और एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा भी हमें चाहिए होगा कुछ इस तरह का। और बीच में कर देनी है हमें ग्लू, ग्लू की मदद से। अब दूसरे वाला भाई चिपका देना है कुछ इस तरह पार्ट। और दो ढक्कन लेने हैं कुछ इस तरह, बीच में होल होना चाहिए। ये दो दूसरा वाला भी कुछ इस तरह का है। अब इन्हें दोनों को है जो चिपका देना है ग्लू की मदद से कुछ इस तरह। और अब इसे हम फिट करेंगे पैन की निप्पल की मदद से। तो यहाँ पर मैं फिट करूँ, यहाँ हो नहीं रहा कुछ इस तरह। फिट करूँगा मैं यहाँ पर, इसे रख के ग्लू से चिपका दूँगा। और पीछे एक साइड है, जो हमें कार्डबोर्ड के टायर्स है वो कट कर लेने हैं कुछ इस तरह। और पैन की निप्पल में डाल के इसे लगा देना है। साथ में एक मोटर भी हमें जो फिट करनी है कुछ इस तरह, और इसे भी चिपका देना, नहीं तो मोटर भी घूमने लगेगी। तो चिपका देता हूँ मैं। और ये काम हो जाने के बाद हमें लेना है कुछ नोटबुक का पेज कट करना है इस तरह। और इसे कुछ इस तरह घुमा के या जो फेविकॉल से चिपका देना है टाइटली, और ज़्यादा टाइट भी नहीं और लूज़ भी नहीं, कुछ इस तरह चिपका देता हूँ। अब ये बन गया हमारा कन्वर बेल्ट कुछ इस तरह। और अब हम इस पर माचिस की तिल्ली है वो भी चिपका देंगे, 2 से 4 कुछ इस तरह। एक और लगा देता हूँ, 4 लगा देता हूँ, पीछे की साइड भी लगा दूँगा 2 कुछ इस तरह। और ये हमारा मैकेनिज्म है वो रेडी हो जाता है कुछ इस तरह। तो इसे लगा देता हूँ। ओ भाई, थोड़ा टाइट है, ठीक आ जाएगा, फिर भी आ जा, कुछ इस तरह आ गया है। इसे भी मैं ग्लू की मदद से फिक्स कर देता हूँ। और अब बैटरी है जो कनेक्ट कर देनी है मोटर के साथ, और वायर है वो कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह। और बैटरी को अंदर की ओर चिपका देना है, और वायर से ये बाहर निकाले हैं मैंने। आप स्विच भी लगा सकते हो यहाँ पर, आपकी मर्जी है कौन सा स्विच लगाओगे। और यहाँ पर मैं ग्लू करके ऊपर है जो कार्डबोर्ड से कवर कर देता हूँ। तो फाइनली हमारा ये रेडी हो चुका है। और एक का कॉइन है जो मेरे पास है अभी, इसे मैं रखने वाला हूँ। और स्विच कौन दूंगा कुछ इस तरह, कॉइन अंदर अंदर जाएगा।